हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मैं अब भी रियलाइज़ हुआ कि मेरा घर में सब्ज़ी नहीं है। तो अभी शाम का 6 बज गया है, तो अभी हम और मेरा हस्बैंड जाके बाज़ार से सब्ज़ी लेके आएगा। और क्या लाएगा अभी तक तो आइडिया नहीं है, मतलब प्लान नहीं किया। उधर जाके देख लेगा क्या लेगा। वहाँ पे मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगी क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा होगा। अभी 6 बज गया तो अंधेरा ही हो गया, तो इतना क्लियर नहीं होगा। तो मैं जब घर में वापस आऊँगी तब मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर करूँगी। हम लोग अभी बाज़ार से आ गया है, अभी डिनर बनाने का समय भी हो गया, काफ़ी अंधेरा भी हो गया। देखिए तो घर भी ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब बच्चों का काम है, जेमी और भैया लोग का काम है। देखिए किचन पे जाती हूँ। ये सबसे पहले है, ये जेमी का खाना मैं बना देती हूँ क्योंकि वो रो रहा है, भूख लग रहा है। ये ओइक बना देगा, ओइक और आलू बॉईल कर देगा चावल के साथ में, इसका फेवरेट है ये। और ये जेमी गुस्सा कर रहा है, भूख लग रहा है बोलते हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ पे, बॉयल सब्जी बना रहे हैं। ये हम लोग बागान से तोड़ के बना रहा है, डायरेक्ट एकदम ऑर्गेनिक। जो और हस्बैंड के लिए फिश फ्राई कर दे रहा है, इसको फ्राई करके करी बना देगा। बच्चे लोग अभी ट्यूशन गया है फिलहाल। तो मम्मी वैसे ऐसा तेल वाला मछली नहीं खाता है, तो मम्मी के लिए ये अलग से ले दिया है। ये क्या बोलते हैं इसको, कमलकात बोलता है क्या ऐसे वाला है इसका नाम। जो इसको मम्मी इसको बैम्बू शूट के साथ में बॉईल कर दो बोला है, तो हम इसको मम्मी का मम्मी के लिए सबसे लास्ट में बना देगा, गर्मा गर्म बना के दे देगा। देर पहले मम्मी का कोई दोस्त ने, स्टाफ कलीग्स ने ओइक दिया है। हम लोग एकदम ऑर्गेनिक, एकदम सबसे कीमती वाला आलू से लेके आने वाला ओइक, इसको ओइक बोलता है, एकदम स्लिपरी वाला। अब हम लोग मेरा पिछला ब्लॉग में वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारा हम इसका वीडियो बनाया था। तो ये आलू का अलग से एक तो मज़ा होता है, आलू से लेके आया है। तो मम्मी का कलीग्स ने आज इसको घर में लेके आ दिया है। और ये है एकदम कटाला ओंगेर, और ये मारसंग, इसको कल बनाएगा। दोस्तों, टोमेटो भी लेके आया है अभी बाज़ार से, और मैं खुद को अमीर फील कर रही हूँ। आज 2 केजी लिया था, 2 केजी में 240 चला गया। इतना दाम उपाय नहीं है, क्यों इतना दाम हो रहा है टोमेटो। इसको मैं पूरा एक हफ्ता चलाऊँगी, अभी बहुत संभाल के खाना होगा टोमेटो, क्यों पता नहीं इतना दाम हो रहा है। बस मैंने फिश फ्राई कर दिया, ड्राई फ्राई। अभी मैं इसको ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे प्याज डाल दिया है कढ़ाई पे, और यहाँ पे है मसाले, अदरक गार्लिक का पेस्ट, यहाँ पे सब मसाला को मिक्स कर दिया। और यहाँ पे क्या बोलते हैं टमेटो, और ये ग्रेवी के लिए मैं टमेटो डालने जा रही हूँ, जो कि बाज़ार में आजकल बहुत ही महंगा है, केजी 120 पड़ रहा है अभी। तो गाइस, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में ग्रीन मिर्चा, ग्रीन चिल्ली। तो ग्रेवी के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। गाइस, थोड़ा देर तक यहाँ पर मसाला को पकने देगा, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी है साथ में, और सब मसाला को भी मिला दिया है। तो इसको आगे पकने का बाद में हम डाल देंगे। आजकल बाज़ार में बहुत फेमस है इसका प्राइस, जो बहुत फेमस हो रहा है ये टमेटो। गाइस देखो ना, यार 1 किलो के टमेटो इतना ही, बस इतना ही है। ये आज बनाएगा, कल सुबह एक बार बनाएगा, शाम को ख़त्म हो जाएगा, इतना थोड़ा। और दाम है 120, बाप रे, इससे तो नहीं चलेगा। दे इतना दाम टोमेटो की, इतना दाम है मोदी जी, बताइए। हर सब्ज़ी में टोमेटो का ज़रूरी होता है, हर किसी के घर में टोमेटो ज़रूरी होता है, लेकिन टोमेटो आसमान छू रहा है टोमेटो का दाम। वाह, मानना पड़ेगा, इतना दाम कैसे हो गया हर चीज़। रेसिपी में वापस चलते हैं। अभी यहाँ पर मसाला लोग पक गया है, अभी मैं डाल रही हूँ टोमेटो। टोमेटो को अभी ग्रेवी कर देगा। टोमेटो ग्रेवी होने के बाद में हम जो मछली पकाया था वो मछली को डाल देगा। अभी थोड़ी देर ढक्कन करके रख देगा ग्रेवी होने के लिए। अभी कुछ भी डालने का दरकार नहीं, सब कुछ डाल दिया, मसाला सब कुछ, नमक वगैरह डाल दिया, मिर्ची का पाउडर सब कुछ डाल दिया।
अब ये थोड़ा देर ग्रेवी होने के बाद में मैं मछली डाल दूंगी, ड्राई किया वाला, ड्राई फ्राई किया वाला मछली। ग्रेवी हो गया अभी टोमेटो, अभी मैं डाल रही हूँ ये मछली। अभी थोड़ा देर 5 मिनट रखने के बाद में हम बंद कर देगा इसको, तो हम कट के खाएगा। आज हम चावल वगैरह कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ इसको कट के सो जाएगा। थोड़ा पहले हम हल्का सा कुछ स्नैक्स खाया है, तो अभी भूख नहीं लग रहा है, तो इसको हम कट के अभी खाएंगे मीठा। यहाँ पे जेमी का खाना पक गया, थोड़ा से पानी ज़्यादा हो गया था तो हमने और एक बार गैस में लगा दिया थोड़ा पानी कम करने के लिए। ऐसे जेमी यही सब खाना खाता है, ग्रीन वेज, कभी कभी दाल खिचड़ी खाता है, ज़्यादातर ये सब्जी खाता है। ये अपना किचन गार्डन से तोड़ के बना देता है, वो बहुत मज़ा पसंद करता है ये सब्जी को ना। दोस्तों पाइनएप्पल खाने से पहले मैं इसको थोड़ा एक बार देख लेती हूँ, अभी हो गया ये, इसको बर्न कर देगा अभी। तो मैंने पाइनएप्पल काट दिया है छोटे छोटे पीसेस में, अभी मम्मी हम थोड़ा खाने जा रहा है। ये लोग तो डिनर करेगा खाने मिलेगा खाएगा खाने मने खाके देखो तो कैसे है, मेरे को खाके देखने दो आगे कैसे है। बहुत मीठा है, बहुत मीठा है ना, होगा मम्मी हम लोग खाने जाएगा अभी। तो आ गया मम्मी का यहाँ पे, चलो मम्मी पाइनएप्पल खाएगा, पापा का भेजा वाला, चलिए जाइए। कैसे है या कुकी कैसे है? मजा है ना, अंधेरा लग रहा है कैसा ना। हेलो खिला रहा है पाइनएप्पल ना। गाइस देखिए अभी डिनर रेडी है, ये बच्चों का, ये छोटू बेटा का और ये उसका अबू का, और वहाँ पे बड़ा बेटा खा रहा है। बड़ा बेटा उसको किसने आज मना किया है क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है, मूड नहीं है। ये छोटू को हमको खाना खिलाओ बोल रहा है, तो हम खिलाने जा रही हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही रहेगा, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पे, बाय बाय, गुड नाइट।